हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो अपरदन के द्वारा अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं या स्थल रूप बनते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इससे पहले देखिए, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जो इरोजन की प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, जलवायु है, शैल की संरचना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि इरोजन के द्वारा जो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश है, शुष्क और अर्धशुष्क से मतलब हो गया एरिड और सेमी एरिड, जैसे कि रेगिस्तानी प्रदेश वगैरह होगा जहाँ पे बारिश कम होती है, नमी कम होती है, तो वहाँ पे इरोजन यानी अपरदन के द्वारा कौन कौन से स्थल रूप या लैंडफॉर्म बनते हैं। तो इसमें देखिए, पहला आता है डिफ्लेशन बेसिन और ब्लो आउट। तो इनको हिंदी में कहेंगे अपवाहन बेसिन या वात गर्त। तो अपवाहन बेसिन या वात गर्त, अब देखिए वात गर्त इसे याद रखेंगे आप अगर आप, या ब्लो आउट याद रखेंगे तो इसको पूरा आप याद रख सकेंगे, यानी कि हवा के द्वारा बना हुआ एक गड्ढा। तो अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसमें यहाँ पे कोई एक चट्टान है। अब ये चट्टान कोमल है, सॉफ्ट रॉक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे हवा के द्वारा इस चट्टान का अपरदन होगा, और इस चट्टान में क्या होगा, जब अपरदन होगा तो इसके कण उड़ जाएंगे हवा के साथ और एक गड्ढा बनेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हवा के द्वारा जो चट्टान के कण हैं, हवा उसको अपने साथ उड़ा ले जा रही है, क्योंकि जो चट्टान या जो शैल है वो सॉफ्ट रॉक है, कोमल शैल है, तो ऐसे में जब ये उड़ा ले जा रही है तो एक गड्ढा बन रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक गड्ढा बन गया, धीरे धीरे देखिए ये गड्ढा बड़ा होता जाएगा, क्योंकि हवा अपना काम तो रोकेगी नहीं, ऊपर से जो भी कण है उन सबको उड़ाती जाएगी, तो ये गड्ढा जो है धीरे धीरे हवा के द्वारा गहरा होता जाएगा। अब देखिए ये कब तक गहरा होगा, जब तक कि जो तली है वहाँ पे पानी ना आ जाए, यानी कि उड़ाने के लिए कुछ बचे ही ना। तो अब देखिए पानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, जो ये गड्ढा होता है जो हवा के द्वारा बन रहा है, जो विंड के द्वारा ये बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि समुद्र के तल से भी नीचे चला जाता है। तो इस तरह का ये जो गड्ढा बनता है, गर्त बनता है, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन बेसिन्स, यानी कि इस तरह के ये जो बेसिन बने इसे हम लोग कहेंगे डिफ्लेशन बेसिन्स या अपवाहन बेसिन, या फिर कह सकते हैं वात गर्त, या इंग्लिश में ब्लू आउट। अब देखिए जो दूसरा हमारा लैंडफॉर्म है वो है इंसेलबर्ग। तो अब देखिए इंसेलबर्ग कैसे बनते हैं इसको समझते हैं। अच्छा देखिए, हमारे जो रेगिस्तान हैं वहाँ पे दो तरह की प्रक्रियाएं चला करती हैं, एक तो सर्दी गर्मी होती है, यानी कि जो दिन होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो चट्टानें हैं दिन के समय फैलती हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ गर्म होगी तो वो फैलेगी, और रात के समय सिकुड़ती हैं, तो इससे चट्टानें टूटती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अपक्षय। तो इसी तरह की कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, अपक्षय के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे चट्टानों के बीच में पानी का रात में जम जाना और सुबह फिर से पिघल जाना। तो ऐसे में भी जो चट्टान की दरारें हैं वो कम एक तरह से फैलने लगती हैं, चट्टान जो है कमज़ोर होने लगती है। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, देखिए कि हवा के द्वारा लगातार चट्टान से हवा टकराती है, जिससे कि चट्टान कमज़ोर होती जाती है, चट्टान के कण उड़ते जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अपरदन। तो ये दो प्रक्रियाएं जो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं उनमें होती रहती हैं। अब देखिए ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं किस चीज़ को ज़्यादा, किस तरह के रॉक को ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, जाहिर सी बात है जो सॉफ्ट रॉक होगा, यानी कि जो कोमल शैल होगा उस पर इन चीज़ों का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। अब देखिए इंसेलबर्ग कैसे बनते हैं, अब मान लीजिए कोई रेगिस्तानी क्षेत्र है और यहाँ पे ढेर सारी चट्टानें हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ जो हैं सॉफ्ट रॉक हैं, कुछ हार्ड रॉक हैं, यानी कि कुछ कोमल शैल हैं और कुछ जो हैं कठोर शैल हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब अपक्षय होगा और अपरदन होगा तो चट्टानें टूटेंगी। अब देखिए जब चट्टानें टूटेंगी तो जो सॉफ्ट रॉक हैं, यानी कि जो कमज़ोर चट्टानें हैं, वो तो टूट जाएंगी, वो एक तरह से उनका अपक्षय हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा, यानी कि उनमें दरार आएगी, फिर वो दरार धीरे धीरे बड़ी होगी, और उसके बाद ये जो चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी और हवा उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। लेकिन जो हार्ड रॉक हैं वो कहीं कहीं पे बची रह जाती हैं, तो हार्ड रॉक इस तरह से ऊपर को टीले या टापू की तरह से बची रह जाती हैं। अब देखिए जो सॉफ्ट रॉक थी इनके बीच की, वो सब उड़ चुकी हैं, उन सबको हवा अपने साथ उड़ा ले गई है, लेकिन ये जो हार्ड रॉक हैं ये इस तरह से टापू की तरह, टीले की तरह बची हुई हैं। तो ये जो हमारी संरचना बची हुई है ये लैंडफॉर्म कहलाता है इंसेलबर्ग। अब देखिए अगला है मशरूम रॉक। तो ये किस तरह से बनता है, देखिए जाहिर सी बात है हिंदी में इसे कहते हैं छत्रक शिला। तो जो मशरूम या छाते के समान दिखाई दे, छत्रक के समान दिखाई दे, उसे हम लोग कहेंगे मशरूम रॉक या छत्रक शिला। तो अब देखिए कैसे बनेगा ये, मान लीजिए यहाँ पे कोई कठोर चट्टान है और इसके नीचे जो है कोमल चट्टान है, तो ऐसे में क्या होगा, ये वर्टिकल एक तरह से कोमल चट्टान है इसके नीचे। अब देखिए ऐसे में क्या होगा, इससे हवा टकराएगी, और हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हवा जो है, मान लीजिए ये विंड फ्लो कर रही है, तो जो हवा में ये विंड फ्लो कर रही है, नीचे का जो पार्ट होगा हवा का, इसमें रेत और धूलकण ज़्यादा होंगे, फिर उसके ऊपर रेत और धूलकण उतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ें हैं इनका अपना भार होता है, तो ये एक निश्चित ऊंचाई तक ही जा पाएंगी।
तो आप ये समझिए कि यहाँ पे लगभग 6 फुट की ऊंचाई तक जो हवा बह रही है उस हवा में रेत और धूल कण जाता होंगे, और फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम हवा में रेत और धूल कण की मात्रा बहुत कम होती जाएगी। अब देखिए जब हवा इससे टकराएगी तो क्या करेगी, इरोजन करेगी, और किस पार्ट का ज़्यादा इरोजन करेगी, लगभग वही जो नीचे का पार्ट है क्योंकि वहाँ पे रेत और धूल कण ज़्यादा हैं। तो जब रेत और धूल कण इससे टकराएंगे, इस चट्टान से टकराएंगे तो इसको काटेंगे तो इसका इरोजन करेंगे, और ऊपर का जो भाग है उसका इरोजन कम होगा। अब देखिए समझते हैं क्या हो रहा है कि जो नीचे का भाग है उसका इरोजन ज़्यादा हो रहा है। तो जो देखिए सबसे नीचे का पार्ट है क्योंकि नीचे सबसे ज़्यादा रेत और धूल कण होंगे, वो सबसे ज़्यादा पतला हो जाएगा कट के। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि हवा हर दिशा से बह रही है, यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही दिशा में हवा बहती है, हर दिशा से बह रही है। तो मान लीजिए कि एक चट्टान है, कभी इसको इस तरफ से काट रही है, कभी इस तरफ से काट रही है, कभी सामने से कभी पीछे से, इस तरह से चारों तरफ से यह चट्टान जो है इसका कटाव हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए जो चट्टान है इसका नीचे का पार्ट सबसे ज़्यादा पतला हो जाएगा क्योंकि नीचे जो है सबसे ज़्यादा रेत और धूल कण है। फिर जैसे 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 हम लोग ऊपर जाएंगे, रेत और धूल कण की क्योंकि मात्रा कम होती जा रही है तो चट्टान का जो कटाव है वो भी कम होता जाएगा। तो ऊपर का जो पार्ट है वो कम कटेगा, यानी वो ज़्यादा चौड़ा रह जाएगा, नीचे का पार्ट पतला हो जाएगा, और जो उसके भी ऊपर का पार्ट है वो और ज़्यादा आपका चौड़ा रहेगा, यानी कि वो एक तरह से पहले जैसा बरकरार रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, एक जो छाता होता है या मशरूम होता है उसके जैसी आकृति बन जाएगी। हवा ने नीचे के पार्ट को ज़्यादा काटा क्योंकि यहाँ पे रेत धूल कण कम थे, उसके ऊपर के पार्ट को थोड़ा कम काटा क्योंकि उससे कम थे रेत और धूल कण, और यहाँ पे बहुत ही कम काटा क्योंकि यहाँ पे रेत और धूल कण बहुत ही कम बचे थे। तो ऐसे में एक छाते जैसी संरचना बन गई। इस तरह से जो रॉक बनती है उसे हम लोग कहते हैं अब देखिए फिर अगला आता है डिमोसेल्स या भूस्तंभ। तो भूस्तंभ क्या है, यानी कि ज़मीन पे एक तरह से खड़े हुए खंभे। अब देखिए ये किस तरह से बनेगा, मान लीजिए कि ये एक हार्ड रॉक है, चलिए इसको अभी एक रॉक मानिए, केवल हार्ड रॉक का पार्ट यहाँ पे बाद में आएगा। तो ये एक हमारी रॉक है। अब इसमें देखिए मान लीजिए क्या है कि जनरली ये सॉफ्ट रॉक है, लेकिन इसके ऊपर कुछ कुछ जगहों पे हार्ड रॉक भी मौजूद है। तो मान लीजिए यहाँ पे हार्ड रॉक मौजूद है, यहाँ पे भी हार्ड रॉक है, यहाँ पे हार्ड रॉक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे हार्ड रॉक है, बाकी सॉफ्ट रॉक है। तो अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए जब विंड बहेगी, इसके ऊपर से हवा बहेगी, तो ये वाले जो पार्ट हैं, जो ग्रीन वाले जो हार्ड रॉक से बने हैं, इसके नीचे की जो सॉफ्ट रॉक है उसका इरोजन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर की हार्ड रॉक है नीचे की सॉफ्ट रॉक को प्रोटेक्शन प्रदान करेगी, एक तरह से आप कह लीजिए कि बचाएगी उसको। क्योंकि अब देखिए जो हमारी ऊपर की हार्ड रॉक है इसको विंड काट नहीं पाएगी, तो जब आप ऊपर का पार्ट नहीं काट पाएंगे तो फिर कैसे नीचे का पार्ट काट पाएंगे, यानी कि इस रॉक के जो नीचे का पार्ट है फिर उसको कैसे काट पाएंगे। तो वही चीज़ होगी, यहाँ पे जो हमारी विंड है इन हार्ड रॉक्स के नीचे की जो सॉफ्ट रॉक है उनको नहीं काट पाएगी क्योंकि ऊपर की हार्ड रॉक को विंड नहीं काट पाएगी। लेकिन देखिए जो बाकी का पार्ट है इसका क्या होगा, ये तो कट जाएगा ना, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई हार्ड रॉक है नहीं, बाकी का ये वाला जो हमारा पार्ट है इसके ऊपर कोई हार्ड रॉक नहीं है, तो इस सारे पार्ट को विंड जो है काट डालेगी। यानी कि ज्योग्राफी की भाषा में कह लीजिए कि ये सारी जो चट्टाने हैं इनका अपरदन हवा के द्वारा, विंड के द्वारा कर दिया जाएगा, इनका इरोजन विंड के द्वारा कर दिया जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा, देखिए जो ये पार्ट है जिनके नीचे का कह लीजिए सॉफ्ट पार्ट नहीं कट पाया है, वो इस तरह से खंभों की तरह बचे रहेंगे। ये जो कुछ पार्ट हैं ये इस तरह से खंभों की तरह बचे रहेंगे, और बाकी के जो पार्ट है उसका इरोजन हो जाएगा, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि जिसको मैंने ब्लू किया है ये सारा पार्ट समाप्त हो गया इरोजन के द्वारा। तो कुछ जो ये पार्ट बचे रहे जिनके ऊपर हार्ड रॉक है और नीचे सॉफ्ट रॉक है, यानी कि ये ऊपर की हार्ड रॉक है और नीचे की सॉफ्ट रॉक है, पर हार्ड रॉक की वजह से जहाँ पे सॉफ्ट रॉक का इरोजन नहीं हो पाया, तो ये जो खंभे जैसे बचे रहे पार्ट इनको हम कहते हैं डिमोसेल्स या फिर भू स्तंभ। अब देखिए जो अगला हमारा लैंडफॉर्म है ये है ज्यूजेन। तो ज्यूजेन क्या होता है, अब देखिए पहले हम एक संरचना समझ लेते हैं। मान लीजिए रेगिस्तानी क्षेत्र, और यहाँ पे क्या है एरिड एरिया है, और यहाँ पे क्या है कि ऊपर जो चट्टानों की संरचना है वो किस तरह की है, ऊपर हार्ड रॉक है यानी कि ये हार्ड रॉक है, इसके नीचे सॉफ्ट रॉक है, उसके नीचे हार्ड रॉक है, इसके नीचे फिर से अगली रॉक सॉफ्ट होगी फिर हार्ड होगी। तो ये क्रम चल रहा है, यानी कि हार्ड सॉफ्ट इस तरह से रॉक्स हैं, यानी कि इस तरह से चट्टानें स्थित हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जो ऊपर की हार्ड रॉक है इसमें कुछ छेद होंगे, यानी कि कह लीजिए कुछ सुराख वगैरह होंगे इस तरह के। इसमें क्या होगा कि जो हमारा वाटर है या फिर कह लीजिए जो ओस की बूंदें हैं वो जाके जम जाएंगी, यहाँ पे जम जाएंगी। जब इसमें ओस की बूंदें जमेंगी तो क्या करेगा, हम जानते हैं कि बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन से ज़्यादा होता है, तो वो बर्फ़ जो है फैलेगी,
जब फैलेगी तो अपने आसपास का जो चट्टान है उसको तोड़ेगी, और सुबह क्या होगा, ये पानी फिर से उड़ जाएगा, फिर से रात में इसमें बर्फ़ जमा होगी, उसकी बूंदें जमा होंगी, वो फिर से बर्फ़ में बदलेंगी, फिर से तोड़ेंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ पे जो चट्टान है इसमें कुछ सुराख हो जाएंगे, इस तरह के कह लीजिए बड़े सुराख हो जाएंगे, और ये जो सुराख होंगे इनमें एक तरह से कह लीजिए कि मिट्टी कह लीजिए या फिर शिला चूर्ण जिसे कहते हैं, यानी कि पत्थर का टूटा हुआ पार्ट, शैल का या फिर रॉक का जो टूटा हुआ पार्ट है वो भरा होगा, क्योंकि ओस की बूंदों ने इस पार्ट को लगातार तोड़ा है, लगातार बर्फ़ फैली है, और जब बर्फ़ फैली है तो जो आसपास की कह लीजिए सुराख की दीवारें थी वो कमज़ोर हुई और धीरे धीरे टूटती गईं। तो यहाँ पे अब कह लीजिए आप इस तरह के कुछ छेद से बन गए, इस तरह के ये देखिए जो ये वाले छेद हैं उसको मैंने यहाँ पे बनाया, कुछ छिद्र कह लीजिए, सुराख कह लीजिए, बन गए हैं। अब देखिए क्या होगा, ये छिद्र जो हैं धीरे धीरे नीचे तक पहुँचेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाले जो हमारे छेद हैं इनके ऊपर विंड का इरोजन का काम होगा, यानी कि ये सारा जो यहाँ पे एक तरह से आप कह लीजिए कि धूल और रेत के कण जो इकट्ठे हो गए हैं इस चट्टान के टूटने से, उन सबको हवा अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो विंड फ्लो हो रही है वो इस पार्ट को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, और ये लगातार उड़ा के ले जाती रहेगी जब तक कि यहाँ तक ये छेद ना पहुँच जाए, इस तरह से ये लगातार उड़ा के ले जाएगी। और फिर देखिए क्या होगा अगले चरण में, अब हम जानते हैं कि नीचे की जो रॉक है वो सॉफ्ट है, यानी कि ऊपर जो ये वाला छेद था इसका जब सारा पार्ट उड़ गया, जितना भी इसमें शिला चूर्ण था या चट्टान का टूटा फूटा टुकड़ा था वो जब सब उड़ गया तो नीचे की सॉफ्ट रॉक पहुंची, और जब नीचे की सॉफ्ट रॉक पे हवा पहुंचेगी तो क्या होगा, सॉफ्ट रॉक तो वैसे भी कोमल है, ये तो पहले से ही टूटने को तैयार है, तो ये और ज़्यादा तेज़ी से टूटेगी, यानी कि अब देखिए क्या होगा कि ऊपर का जो पार्ट है वो तो तब भी कम टूटा है, पर ये नीचे का जो ये सॉफ्ट रॉक वाला पार्ट है ये और ज़्यादा टूट जाएगा इस तरह से, और इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये इस तरह से, और ऊपर का पार्ट जो है यानी कि अगर इससे जोड़े हम तो इस तरह से कुछ कह सकते हैं आप, इस तरह का, इस साइड बना देता हूँ, कुछ इस तरह का पार्ट हमें दिखाई देगा। अब फिर देखिए अगले चरण में क्या होगा, ये जो चट्टान है जब यहाँ तक पहुँच गई है यानी कि यहाँ तक, तो इस वाले पार्ट में जो ये सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक जहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे फिर से कुछ सुराख होंगे, फिर से कुछ यहाँ पे छेद हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा फिर से पानी भरेगा, यानी कि ये जो कठोर शैल है इसमें फिर से उसकी बूंदें जमा होंगी, क्योंकि ऊपर से नीचे तक गड्ढा हो गया है, जब फिर से उसकी बूंदें इस वाले पार्ट में जमा होंगी तो वो फिर से टूटेगा, यानी कि फिर से जो चट्टान है वो टूटना शुरू होगी, तो आखिरी में क्या होगा यहाँ पे भी कुछ गड्ढे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ के देखिए जो नीचे के गड्ढे होंगे वो पतले होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो शैल है ये जो चट्टान है ये कठोर है, तो जब कठोर चट्टान पे फिर से प्रक्रिया होगी, यानी कि फिर से जो है एक तरह से ओस की प्रक्रिया होगी, ओस जो है जमेगी, बर्फ़ में बदलेगी और चट्टान टूटेगी, तो उतना ज़्यादा नहीं तोड़ पाएगी जितना कि सॉफ्ट रॉक को तोड़ दिया, क्योंकि सॉफ्ट रॉक कोमल है, आसानी से टूट गई है, उतनी आसानी से नहीं टूटेगी। तो किस तरह की आखिर में हमें आकृति दिखाई देगी, इस तरह से, यानी कि इसको अभी बता देता हूँ, देखिए ऊपर की जो रॉक थी वो हार्ड थी हमारी, तो ये जो ऊपर की रॉक थी हार्ड थी इसलिए इसका उतना ज़्यादा ये नहीं टूटी है, उतना ज़्यादा अपरदन या अपक्षय नहीं हुआ है। नीचे की जो सॉफ्ट रॉक थी ये ज़्यादा चौड़ी हो गई, क्योंकि ये सॉफ्ट थी, आसानी से हवा इसमें से सारा धूल कण वगैरह उड़ा ले गई, आसानी से इसको तोड़ डाला, तो ये ज़्यादा टूट गई। फिर से नीचे की जो हार्ड रॉक है उसका उतना ज़्यादा अपरदन नहीं हुआ, क्योंकि ये हार्ड थी, इतनी आसानी से इसे ओस वगैरह की बूंदें तोड़ नहीं पाई। तो इस तरह से ये जो फाइनली हमें आकृति दिख रही है ये जूजेन होगी, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, यानी कि फिर से नीचे की जो सॉफ्ट रॉक होगी उसको तोड़ेगी, फिर से जो उसके नीचे की हार्ड रॉक होगी उसको तोड़ेगी, तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती जाएगी।